तो वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में और आज के ब्लॉग में। अच्छा, ये आज का ब्लॉग ना मैं ज़रा किचन से शुरू कर रही हूँ, बिकॉज़ किचन में खाने की तैयारी हो रही है। और ये ब्लॉग ना पहले का है, बट मैं अभी इसको एडिट करके पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी और ब्लॉग एडिट नहीं कर सकी। तो आज ना खाने में बन रहा है कैबेज की सब्ज़ी, और मैं स्पेशली बना रही हूँ मम्मी के लिए क्योंकि उनको ना मैं मुझे खिलानी है महाराष्ट्र। वैसे वो खा चुकी है पहले भी जब साथ में थी हमारे, पर उनको मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ महाराष्ट्र स्टाइल वाली कैबेज बंद गोभी। और यहाँ मैं कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। हम लोग हमेशा ना वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस जो है प्योर वो करते हैं यूज़ मस्टर्ड ऑयल एंड सारे ऑयल खाने के, एडिबल ऑयल, जैसे कि ना ज़्यादा हेल्दी हो। और बहुत सिंपल तरीका है बनाने का, बहुत ही आसान है। और बस खाली लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया का पेस्ट बना के डाल दो, उसको भून लो, फिर उसमें आप डाल दो हल्दी, थोड़ा सा हींग, और आपका जो है तड़का तैयार हो गया। और बंद गोभी ना बहुत जल्दी बन जाती है। तो साइड में मैंने ना दाल उबाल ली है, दाल बनने वाली है मसर की, अखा मसर की, और कड़ी पत्ता भी डाला है मैंने ऊपर से इसमें तड़के में। महाराष्ट्र में ना मोस्टली हर सब्ज़ी में पड़ता है कड़ी पत्ता, मम्मी के यहाँ पर तो कड़ी पत्ता मिलता भी नहीं है, मम्मी के जहाँ मम्मी रहती है, और यहाँ पर हमेशा कड़ी पत्ता मिलता है, वहाँ पर कोई खाता भी नहीं है कड़ी पत्ता। पोहा भी जो बनता है बिना कड़ी पत्ता के ही बनता है। सब्ज़ी ढक दी है, विद इन 10 मिनट में सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। ये कढ़ाई की लिंक अगर आपको चाहिए ना तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ये कढ़ाई बहुत पसंद है मुझे। साथ में इसका ढक्कन भी आता है स्टील का, ट्राई प्लाई की स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है ये, मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, सब्ज़ी लगती भी नहीं है। तो उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दाल अखा मसर की, मसूर की उबल चुकी है, तड़का भी रेडी हो गया है, और यहाँ पर दाल को तड़का लगेगा, सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। और मम्मी ना मुझे पूछ रही थी आके कि मैं कुछ कर दूँ, कुछ हेल्प कर दूँ, कुछ कर दूँ। मैंने बोला नहीं, आप खाली बैठो बातें करो, मैं काम कर रही हूँ, आप आराम से बैठ के बातें करो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मम्मी अपना टाइम किचन में बिताए, यहाँ पर भी मम्मी अपना टाइम साथ बैठे अजीत के बच्चों ने बैठे बातें करें जितना ज़्यादा हो सके। तो ये मम्मी को ना मन नहीं लग रहा था कि मम्मी किचन में आ गई मेरे पास, फिर हम बातें कर रहे हैं यहाँ वहाँ की, मैं आटा गूंद रही हूँ। और मैंने बोला मम्मी को बस खाना तैयार हो जाएगा, और बातें करते करते काम जो है ना कैसे बीतता है मालूम पड़ता ही नहीं है, और मज़ा भी आ जाता है। तो मम्मी मुझे बता रही है यहाँ पर ना निष्ठा आ गई है। तो आज बना है लंच में बंद गोभी कैबेज की सब्जी, और बनी है अखा मसर की दाल, और यहाँ पर लगी है बच्चों की खाने की प्लेट, और साथ में है बूंदी का रायता। सब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, घूमने गए थे, बच्चे उठे हुए हैं तो वो खाना खा लेंगे। ये रही निष्ठा की खाने की प्लेट, सब्जी है, मसर की दाल है, बूंदी का रायता है, रोटी है, और मैंने बनाया है साथ में राइस। अच्छा, बाकी जो है ना घर पे बाहर ये थे तो भी आए हैं, सो रहे हैं, उठेंगे फिर खाना खाएंगे, तब तो बच्चे खाना खा लेंगे। ए बेबी, दिस इज फॉर निष्ठा, सॉरी, एंजॉय। और ये रही डैडी की खाने की प्लेट। ये लो बाबू, ये दे बाबू, ये लो, एंजॉय। दादी है पीछे, दादी ने खिलाया अपने हाथ से खाना। तो ये रही अजीत की खाने की प्लेट, सब्जी है, रायता है, और है दाल, ऊपर से घी। इंजॉय। मम्मी कैसा लगा खाना? अच्छा। सब्जी अच्छी लगी? जबरदस्ती बोलोगे मम्मी पसंद नहीं है? नहीं, अब बोल सकते हो? नहीं, दादी रेडी हो गए? वाह, सूट तो देखो दादी का, वाह वाह वाह। मम्मी आप बैठी है, बेडशीट में मम्मी का पूरा मैच हो रहा है, आपको पड़ा कि हमारे पास ये बेडशीट है मम्मी? सेम टू सेम, सेम नॉट सेम है ना, जो सेम ऑलमोस्ट सेम है ना, तो बेडशीट में से कपड़ा बच गया तो मम्मी ने ड्रेस बना लिया। नाजुक मेरा हाथ, ये लो मम्मी।